Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the deductions under chapter 6a, which is very important. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिडक्शंस को आप कैसे पढ़े. सारे के सारे डिडक्शंस इस वीडियो से मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने जो डिडक्शंस है उसको आप एक इजी तरीके से पढ़ सकते हैं. सारे डिडक्शंस को हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं. तो इनकम टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें डिडक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसके लिमिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एज वेल एज उसके सारे बेसिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आपके एग्जाम से रिलेटेड जो डिडक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो. तो लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट डिडक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड अंडर सेक्शन 80C. तो 80C जो ऐसा डिडक्शन है, अगर आपने कहीं पे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स किया होगा तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा. ये डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF को मिल सकता है. कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एंड दी एग्जाम्पल्स आर LIC प्रीमियम पेड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट, ट्यूशन फीस ऑफ टू चिल्ड्रंस, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, एंड मैनी मोर डिडक्शंस आर अवेलेबल. सो बेसिकली 80C क्या है? 80C, अगर आपने कहीं स्पेसिफाइड सेविंग्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो आपको उसके ऊपर डिडक्शन दिया जा सकता है. तो जो 80C का डिडक्शन है उसमें आपको इतने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, लेकिन इन सभी को मिला के एक लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जिसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिल पाएगा. इसलिए हमें 80C इज नथिंग बट 80C इज रिलेटेड विद the specified investments which any assessee has made during the previous year. तो इसमें आपको ये तीन चार पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं, एंड द 3 to 4 पॉइंट्स आर द विच रिलेट्स विद द बेसिक पॉइंट्स आर LIC प्रीमियम, NSC, PF, ट्यूशन फीस ऑफ टू चिल्ड्रंस, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, और भी बाकी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर अप होते हैं, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है. इसकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की है 1,50,000 रुपीज़ का, तो आपको 1,50,000 मैक्सिमम लिमिट याद रखनी है. सेकेंड डिडक्शन में जाते हैं, तो सेकेंड डिडक्शन इज अंडर सेक्शन 80CCC. तो 80CCC में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन प्लान पॉलिसी. अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी पेंशन प्लान में किया होगा तो आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है. तो 80C बहुत सारे पॉइंट्स है, 80CCC सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना. इसमें आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है कि 80C का और 80CCC का कंबाइंड मिला के लिमिट 1,50,000 है. दैट मीन्स दो डिडक्शंस को अगर हम कंबाइंड कर लेंगे तो उन दोनों का कंबाइंड लिमिट 1,50,000 है. बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कन्फ्यूज ओवर हियर दैट 80C एंड 80CCC दोनों का 1,50,000, 1,50,000, ऐसा नहीं है. दोनों को मिला के आपका कंबाइंड लिमिट हो जाएगा 1,50,000. तो अभी तक हमने दो डिडक्शंस पढ़े हैं, दैट इज 80C एंड 80CCC. नेक्स्ट इज 80D. 80D इज नथिंग बट मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, एंड इट शुड बी पेड बाय चेक. तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी पेड बाय चेक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है. इसमें आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है, और जो है कंडीशंस कि किस बेस पे डिडक्शन मिलेगा. अगर कोई नॉर्मल सिटीजन होगा, नॉर्मल पर्सन होगा जो 60 ईयर्स से कम है तो उसको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो 60 ईयर्स से ऊपर है तो उसको 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है. तो 80D किस लिए है? 80D इज रिलेटेड विद मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, एंड यूजुअली इट शुड बी पेड बाय चेक, नॉट विद कैश. कैश डिडक्शंस आर नॉट अलाउड. दैट इज द नंबर थर्ड डिडक्शन 80D. नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो है 80DD. देखो 80DD है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप. अगर कोई असेसी है और असेसी के पेरेंट्स हैंडीकैप है और वो असेसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो ये डिडक्शन कवर होगा. इसके लिए आपको याद रखना है, अगर कोई भी इंसान 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल्ड हो जाएगा तो उसको डायरेक्ट डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 रुपीज़. और कोई भी इंसान अगर 80% से कम डिसेबल्ड होगा तो उसको डिडक्शन मिलेगा डायरेक्टली 75,000 रुपीज़. कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में परसेंटेज लिख के नहीं आता है, बट हमें उस बेस पे ये याद रखना है कि अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 होगा, और सीवियर वर्ड नहीं रहेगा तो 75,000 का डिडक्शन होगा. दैट इज़ 80DD. तो 80DD मेंटेनेंस है
ATU भी सेम डिडक्शन है, सेम टू सेम। वहाँ पे हमने SSC के जो पेरेंट्स थे, SSC पे जो डिपेंडेंट है वो डिसेबल थे, यहाँ पे SSC खुद ही डिसेबल्ड है। और लिमिट जैसे अभी हमने बात की थी ATDD के लिए सेम टू सेम लिमिट है, अगर 80% से ऊपर रहेगा 1,25,000 और अगर 80% से कम रहेगा तो 75,000। तो दैट इज द डिडक्शन फॉर ATU। नेक्स्ट विल बी द सेकेंड लास्ट पॉइंट ATE, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो nowadays पीपल आर टेकिंग लोन फ्रॉम द banks एंड दे आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। शुड बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ओनली एंड वॉट एवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी आर पेइंग ऑन दैट द फुल अमाउंट विल बी कंसिडर एज डिडक्टेबल। तो यू विल गेट फुल डिडक्शन ऑन दिस सेक्शन कॉल्ड एज ATE। तो इफ यू आर पेइंग एनी डिडक्शन, इफ यू आर पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, तो आपको वो इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड ATE, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। एंड द लास्ट सेक्शन इज ATTA। तो ATTA का सेक्शन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। अगर आपने सेविंग्स बैंक में कुछ पैसा रखा है और वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट अगर 10,000 से ऊपर जाएगा तो आपको उसके ऊपर जितना भी ऊपर वाली अमाउंट है उसके ऊपर TDS कट जाएगा। अगर आपका 10,000 से नीचे वाली अमाउंट रहेगी तो कोई भी आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट रखा है, दैट इज कॉल्ड एज 10,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट मैक्सिमम लिमिट विल बी कॉल्ड एज 10,000। तो बेसिकली इसका लिमिट 10,000 डिसाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड ATTA। तो सारे डिडक्शन एक साथ रिवाइज करवाता हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। पहला हमने पढ़ा ATC, फिर पढ़ा ATCCC, फिर पढ़ा ATD, फिर पढ़ा ATDD, फिर पढ़ा ATU, ATE एंड ATTA। सो यही थे आज के डिडक्शंस का कंसेप्ट अंडर चैप्टर 6 से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसे बेसिक्स रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ सो दैट आपके बेसिक्स रिवाइज भी हो सके और आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।